हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एंड नॉन टेक स्टडी। आज मैं आपको एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि बिल्डिंग मटेरियल के हैं एंड टॉपिक वाइज लेके आऊंगा, जो काफ़ी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का भी बटन दबा सकते हैं फॉर लेटेस्ट वीडियो। सो नाउ फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। ओके, जो क्रशिंग जो गुड बिल्डिंग स्टोन की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो किससे ज़्यादा होती है? तो वो आप कह सकते हैं 100 MPa। किससे? 100 MPa। एंड जो कि किस में रहता है? न्यूटन पर mm में रहता है उसकी यूनिट। ओके, mm स्क्वायर। एंड जो स्पेसिफिक ग्रेविट इज ग्रेटर देन 2.7 रहता है। सो ये नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू। जो किंग क्लोजर है वो इसमें किसके रिलेटेड है? तो आपको पता है ये ब्रिक मेसनरी होती है, जो दीवार यानी कि वॉल को जो खड़े करते हैं अपन, स्टैंड करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें जो यही यूज़ होता है किंग क्लोजर। किंग क्लोजर होता है क्या? तो ये ब्रिक है, इसमें जो ब्रिक कॉर्नर्स में जो कट होता है वो होता है किंग क्लोजर। तो दैट्स यानी कि इसका आंसर इज डी। नाउ थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड बिल्डिंग गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। इसका आंसर आपको पता है, मैंने एक क्वेश्चन और बताया था जो कि आपको सबको सब बोल रहे हैं कि सर 20% नॉट मोर देन रहता है। आई नो 20% नॉट मोर देन रहता है, बट इसमें आंसर 15% ऑफ सैचुरेटेड बेड। बिकॉज 50% आपको पता है, 50% 15% तो ठीक है, चलो करेक्ट आंसर है कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड बिल्डिंग ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन 20%। ओके, बट इसमें ऑप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ऑप्शन नहीं 20, ठीक है। और ये सैचुरेटेड वेट, सैचुरेटेड वेट का मीन्स यही है कि जो हायर क्लास रहती है, हायर क्लास के लिए 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो आंसर इसका डी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एंड क्ले ब्रिक आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग, आपको पहले ऑलरेडी पता होना चाहिए जो क्ले, जो ब्रिक का जो मैन्युफैक्चर होता है उसमें जो कैसे बनता है, ठीक है, उसमें जो मटेरियल होता है वो कितना परसेंट होना चाहिए, तो आपको कम्प्लीटली पता होना चाहिए, इसलिए आपके क्वेश्चन एक भी छूटे ना। सो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको ऑप्शन देख के ही आंसर आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा आपको पता है सिलिका उसमें रहता है, उसके बाद 10 to 20% एलुमिना रहता है, ठीक है, एंड इसमें आयरन ऑक्साइड भी रहता है, और जो कि और लाइम आपको पता है ऑलरेडी कितना रहता है, ठीक है, 5% से लेस देन रहता है। सो आंसर इज इसका सी। और जो आयरन ऑक्साइड जो प्रोवाइड करते हैं वो ब्रिक का जो रेड कलर होता है उसको प्रोवाइड, रेड कलर मतलब प्रोवाइड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं आयरन ऑक्साइड। द मोस्ट सुइटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर, जो बिल्डिंग पियर के लिए जो स्टोबल मोस्ट जो सुइटेबल स्टोन रहता है वो कौन सा होता है? वो ग्रेनाइट होता है, ठीक है, ग्रेनाइट। इतना काफ़ी। नेक्स्ट है, द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक इन सुइटेबल शेप इज कॉन्स्टिट्यूट। जो ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक में जो ब्रिक यूज़ करते हैं, यानी कि उसमें जो शेप देते हैं, जो शेप देने का उसमें कौन सा मटेरियल रहता है, तो वो होता है एलुमिना। कौन सा? एलुमिना। ओके, और नेक्स्ट आते हैं, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो ये आपको पता नहीं फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो क्या है? तो जो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक है वो 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, ठीक है, और सेकंड क्लास ब्रिक का होता है 7.5, और जो लास्ट थर्ड रहता है उसका 3.5। तो इसका आंसर है सी। फॉर पॉलिशिंग मोशेक फ्लो वी यूज़, ठीक है, जो मोशेक फ्लोर रहता है उसके पॉलिशिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो वो करते हैं ऑक्जेलिक एसिड। क्या करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड। ओके, डन। स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो ब्रिक का जो क्लासिफिकेशन है उसको स्ट्रेंथ जो बेस्ड है उसका जो एक क्लासिफिकेशन यानी कि IS जो कोड है वो किस कोड में है ये सब? तो देन ये है IS 3102। क्या है? IS 3102। तो ये कोड काफ़ी पूछा जाता है और इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफर्ड इनटू, ओके, तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है जीनियस। मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी कुछ प्रीवियस जो मैंने और
वीडियो बनाया, उसमें बताया था मैंने संस्कृत डीम और क्वाइट जाइट एंड मार्वल आर बाय नेचर, ये किससे बना होता है, ठीक है, किससे आता है, नेचर बाय, तो वॉल्केनिक या प्लूटोनिक या सेडिमेंट या मेटामॉर्फिक, तो याद रखना जो मार्बल जहाँ आएगा तो मेटामॉर्फिक, आंसर इज मेटामॉर्फिक। बेसल्ट स्टोन इज नेचर बाय, ये 2014 में आया, तो ये आपको इसलिए थोड़ा आइडिया पता चल जाएगा आपको कि ये हाँ इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं और हम कर सकते हैं। ओके, सो देन जो बेसल्ट स्टोन इज नेचर बाय, ये वॉल्केनिक से प्रोड्यूस कह सकते हैं, होता है, उत्पन्न होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लास फर्स्ट आफ्टर 24 आवर ऑफ इमर्जन इन वाटर शुड नॉट बी एक्सीड, तो ये बता दिया मैंने 20% है, एंड सेकेंड क्लास ब्रेक 22 है, एंड आफ्टर ऑल 25। थर्ड, ग्रेनाइट इज अ रॉक दैट इज बाय नेचर, जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट जो रॉक है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, किससे होता है, तो प्लूटोनिक, क्या है, प्लूटोनिक। द डिजीज ऑफ ड्राई रोट इन टिम्बर इज कॉज्ड बाय, जो सड़न होती है उसकी जो बीमारी होती है किसके कारण होती है, तो आंसर इज लैक ऑफ वेंटिलेशन की कमी का, ठीक है, वेंटिलेशन की कमी का। एंड जो द एज ऑफ द ट्री कैन बी अंडरस्टूड, जो जो ट्री की एज होती है, यानी कि जो देखो एज किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिंग, जो ट्री की जो रिंग होती है, रिंग लेयर होती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि इसमें आंसर इज ऑप्शन इज हाँ जी सी आंसर है इसका, कंटेनिंग नंबर ऑफ द रिंग, बताता हूँ, देखो इसमें जो रिंग काफ़ी रिंग होती है, जैसे कि पित्त रहता है, ठीक है, हार्ट रहता है, कैमियल लेयर रहता है, आउटर लेयर, इनर लेयर होता है, सेब बोर्ड होता है, सारे ये लेयर होते हैं, सो ये आपको पता होना चाहिए डिटेल में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट वुड, इसमें से कौन सा हार्डेस्ट वुड है, तो भी आपको पता होना चाहिए, ये है सीसम, यार सीसम हार्डेस्ट वुड है, एंड इससे जो बैट वगैरह जो बनाए जाते हैं सीसम के से ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, द वुड वर्क शुड बी मेजर्ड नियरेस्ट टू, तो ऑब्वियसली जो वुड वर्क है शुड बी मेजर्ड, किसके नियरेस्ट मेजर कर सकते हैं, तो वो इसका आंसर है 0.002 मीटर।